Namaskar and welcome to News Bearer Huffalo. Here are today's top stories. In a significant development, the North Kutcher Hills Indigenous Students Forum has taken a stand, submitting a memorandum to Inspector of School Huffalong that calls for a transparent and fair TET recruitment process. The forum's move comes in response to growing concerns and rumors surrounding the ongoing recruitment process for teaching positions in the district. The NC Hills Indigenous Students Forum expressed deep concern regarding the TET recruitment process, as outlined in the notification No. E48 at PT7/2024/2708-16, dated 27th August 2024. The forum's memorandum highlights disturbing rumors that certain candidates may have been pre-selected for appointment due to alleged political influence or financial transactions, even before the examination and selection process have been completed. These rumors have reportedly caused significant distress among candidates, leading to confusion and a growing loss of faith in the fairness of the recruitment process. The forum has urged the authorities to ensure a transparent and impartial selection process to restore trust and confidence among all candidates. As the situation develops, the forum hopes for a swift and clear response from the authorities to address these concerns. हम लोग ISF की तरफ से हम लोग memorandum हम लोग inspector of school को दिया है कि इस memorandum में हम लोग जो TET का recruitment जो 27 अगस्त में जो advertisement दिया है उस post का बारे में थोड़ा हम लोग बहुत rumors हम लोग का district में फैल रहा है कि recruitment process होने का पहले से ही हम लोग पॉलिटिशियन लोगों से ये नाम भी कलेक्ट अपना अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में कलेक्ट करा है हम लोग सुना है और कोई कोई पैसा भी दे के वो लोग अपॉइंटमेंट मिलेगा बोल के हम लोग उनका सुन्नी मिला है। इसमें स्टूडेंट जो अपना पढ़ाई इतना डिफिकल्टी से हम लोग पढ़ाई करके आने वाला जो टेट क्वालिफाई करके आने वाला लोगों के लिए बहुत दुख का बात है, तो इसलिए हम लोग ISF की तरफ से हम लोग आज में मेमोरेंडम सबमिट किया है। जो रिक्रूटमेंट होने वाला है इसमें अनबायस होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, कुछ पैसा से खरीदने के लिए या कुछ पॉलिटिकल का तरफ से EM हो या CM हो या काउंसिल का MSC के तरफ से या कोई पार्टी के तरफ से भी अपॉइंटमेंट होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एजुकेशन है, ये प्योरली मेरिट बेस में होना चाहिए। जो भी जाट हो या जो भी धर्म हो, ये एजुकेशन में वो क्वालिफाई है तो मेरिट में उसको मिलना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन ये हम लोग का बैकबोन है सोसाइटी के लिए, क्योंकि ये एजुकेशन में हम लोग अनमेरिट से देगा और ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट जैसा काउंसिल में अभी चल रहा है ऐसा पैसा दे के हम लोग करेगा होने से तो हम लोग का एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हो जाएगा और ये हम लोग नहीं चाहता स्टूडेंट की तरफ से। और इसीलिए ये जो हम लोग का अपॉइंटमेंट होने वाला है इसमें पूरा फेयरली होना है और ताकि पब्लिक और स्टूडेंट की तरफ से भी ये विश्वास गवर्नमेंट से भी दिलाना है कि जो अभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट असम गवर्नमेंट के अंदर में हो रहा है इतना फेयर हो सकता है तो इधर में भी एजुकेशन का मामला में तो एकदम फेयर होना चाहिए। और इसमें फेयर नहीं हम लोग देखेगा, ऑब्जर्व करेगा और हम लोग स्टडी भी करेगा और इंक्वायरी भी करेगा। इसमें कुछ अनफेयरमेंस हम लोग ISF की तरफ से या स्टूडेंट की तरफ से हम लोग मिला होने से हम लोग एजिटेशन भी करेगा, जितना लगता है हम लोग लॉ में हम लोग हाथ में लेना हो पड़ेगा तो हम लोग लेगा, क्योंकि एजुकेशन में हम लोग कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और हम बताना चाहता है इस चीज में हर कम्युनिटी, हर जात, हर ऑर्गेनाइजेशन इस मामला में तो हम लोग यूनाइटेडली हम लोग स्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये एजुकेशन का मामला है, इसमें हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का फ्यूचर डिपेंड होता है। ये टीचर रिक्रूटमेंट में अच्छा वाला को नहीं देगा, जैसा प्रॉक्सी टीचर जहां पर हम लोग भी सुना है प्रॉक्सी टीचर बहुत जगह पे हुआ है, ऐसा मामला में हम लोग चलते रहेगा तो कैसा होगा। हम लोग सुननी मिला है कि काउंसिल का अंदर में जो अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट अपॉइंटमेंट हुआ है इसमें हम लोग बहुत दुख लगता है कि हम लोग सुननी मिला है जो फोर्थ ग्रेड का अपॉइंटमेंट जो पियोन हुए या स्वीपर को भी हो या जो थर्ड ग्रेड का जो क्लर्क को जो अपॉइंट किया है काउंसिल की तरफ से, ऑफिसर लोगों उन का ऊपर में कुछ एक्शन भी नहीं ले रख सकता है और वो लोग बोल रहा है कि स्वीपर होने से पियोन होने से हम लोग उसको भेजनी भी नहीं सकता है, क्योंकि वो लोग बोलता है काउंसिल कदम लेकर आया है, हम काउंसिल का इसका आदमी है उसका आदमी है बोल के हम लोग कुछ काम नहीं कर सकता बोलता है, स्वीपर तक को भी हम लोग भेजनी भी नहीं सकता बोला है। और इसके साथ साथ में थर्ड ग्रेड में जो अपॉइंटमेंट मिला है उनको पेपर वर्क में कुछ भी नहीं आता है, हम लोग जब गाली देता है ऑफिसर लोगों से तो वो लोग बोलता है हम उसका आदमी है इसका आदमी है,
हम उसने हमको अपॉइंटमेंट दिया है, तो ऐसा हम लोग का डिस्ट्रिक्ट चलेगा तो कितना दिन चलेगा हम लोग का डिस्ट्रिक्ट। तो ऐसा अपॉइंटमेंट हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन में भी देगा तो हम लोग का फ्यूचर जो यंग जनरेशन फ्यूचर का जनरेशन का क्या होगा। इसलिए हम लोग ये अपॉइंटमेंट का टीचर का रिक्रूटमेंट में फेयर होना चाहिए, अनफेयर मीन नहीं होना चाहिए, और पैसा से कोई भी खरीदना नहीं चाहिए, और पैसा की वजह से किसी को अपॉइंटमेंट भी देने जाए देना होने से मेरिट बेस में उनका मार्क दे के उनको देना चाहिए। थैंक यू। तो हम लोग गार्डियन से आए हैं और अभी यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट आया है रिगार्डिंग टीचर्स रिक्रूटमेंट, सो वी आर हियर फॉर दैट प्रोसेस। We applied our form and as sir has mentioned that whatever process it is going on, it should be done fairly and all. So we are very supportive of that statement. If deserving candidates get seat, so it will be beneficial for the society. So that is what we wanted to say, that things should be done neat and fairly. Thank you, sir. Thank you. As you have heard about the recruitment process in Assam, which has been transparent. It has been 1 lakh people have got job, which has been claimed by our Chief Minister Dr. Hemanta Biswa Sarma. So what's your aspiration regarding this kind of job facilities which are transparent in our state? Sir, it is really a great step by our state government at providing youth an employment opportunity, which is helping our society to move in a positive direction, and also motivating other youths to prepare well and do well in different government exams. So I feel it is a good initiative that government has taken within this time period of providing so much of job opportunity in different fields, like as we came for teaching, but we know that in this month only we have a DRE exam, many more exams are going on like APSC and all. So we are very thankful to the government for providing such wonderful opportunity to the youth that are there nowadays. So thank you, sir. Thank you. Stay with News Berha Haflong for more updates on this and other important stories.